नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और सर्दियों का मौसम यानी कि फूलों का मौसम, चारों साइड जहां देखें फूल ही फूल सर्दियों में होते हैं, लेकिन उनको लगाने के लिए समय होता है। तो समय जो है सितंबर से लगभग शुरू हो जाता है और अक्टूबर आ चुका है, तो ऐसे में हम विदेशी बल्ब भी देते हैं, देसी भी होता है और हाइब्रिड सीड्स भी होते हैं। हर तरह के सीड्स हम प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड कराते हैं, बल्ब प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें लोगों की कंप्लेंट काफ़ी आ रही थी कि हमारे उग नहीं रहे हैं, कैसे उगाएं, कैसे करें। तो आप ये देखिए कि कैला लिली जो है काफ़ी कॉस्टली बल्ब माना जाता है, हॉलैंड का इम्पोर्टेड होता है। देखिए ये स्प्राउट जो है इस तरह से निकलते हैं, वैरायटी के पास किसी में कम निकल रहा है, किसी में ज़्यादा निकल रहा है, किसी में नहीं निकल रहा है। तो जैसे ही मिट्टी मिलती है ये निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये बल्ब ऐसे रख दिया मिट्टी के ऊपर, ऐसे रख दिया और ये छोड़ दिया, तो ये देखिए कोई इसमें स्प्राउट नहीं है। बल्ब सही सलामत है लेकिन इसके अंदर कोई स्प्राउट नहीं नज़र आ रहा है। इसका कारण क्या है, कारण निदान सभी में बताने वाला। और यही बल्ब है जो आपके सामने ही मैंने इसको लगाया था, ये बल्बस सॉइल मिक्सचर। ये देखिए ये बल्बस सॉइल मिक्सचर जो है हम अपना बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। अगर हम कहें कि पीट मॉस में लगाइए और ऐसे कोको पीट में तो सड़ ही जाता है, तो वो जो है महंगा पड़ता है। तो ये मैंने बना दिया। अब ये हमारा जो बल्बस सॉइल मिक्सचर है इसके अंदर ये प्लांट लगा हुआ है और इसकी देखिए केला लिली की जो है फ्लावरिंग चालू हो चुकी है। कितने सारे स्प्राउट इसके निकल रहे हैं अभी देखिए। इसमें एक बल्ब के अंदर ये 3-4 फ्लावरिंग है, इसमें एक निकला है, दूसरा तीसरा निकलने की तैयारी में है। तो ये तो हमारा अपना जो बल्बस सॉइल मिक्सचर है इसमें लगा है। और दूसरा आप देखिए ये जो दोनों दिख रहे हैं, ये भी हमारा बल्बस सॉइल मिक्सचर के अंदर लगा हुआ है। कितने सारे स्प्राउट्स हैं। और ये ब्लैक जो है केला लिली ब्लैक में है, बिल्कुल ये भी ब्लैक में ही है, लेकिन इसको किस में लगाया गया है, इसको लगाया गया पीट मॉस। ये देखिए पीट मॉस के अंदर लगाया गया है और इसकी रूट्स देखेंगे आप तो काफ़ी फैली हुई हैं। ये देखिए तो ये इसमें लगा हुआ है और ये भी अब फ्लावरिंग करने को आ रहा है। बहुत हल्का लाइट वेटेड हो जाता है ये, तो इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जड़ें चल रही हैं, इसमें हल्का चाहिए। लेकिन अब ये देखें कि ये उगा नहीं है, तो इसका कारण क्या हुआ कि इस बल्ब में एक ही खासियत होती है कि इसके रूट्स जो हैं, ये इसके रूट्स यहाँ से निकलते हैं, ना कि यहाँ से। बाकी दूसरे बल्ब जो होते हैं हमारे, उनका नीचे से रूट निकलता है। उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। कई लोग कहते हैं कि स्प्राउट नहीं हो रहे हैं, देखिए ये जो है हमारा बल्ब है, मैं बताऊँ आपको, नरगिस का बल्ब है और इसको निकालना मुश्किल हो रहा है। देखिए ये महीने भर के अंदर जो है ये रूटिंग इसने पनपाई है, आप देख सकते हैं। तो इसकी रूट नीचे से निकलती है, यहाँ से निकल रही है, सभी की रूट निकल चुकी है। जब रूट डेवलप होगा तभी यहाँ से सूट निकलेगा, और जब सूट निकलेगा तो साथ के साथ जो है बर्ड्स और लीव्स सारी आ जाएंगी इसमें। तो ये इस तरह से टाइम लेता है, घबराएं नहीं, थोड़ा सा समय दें। ये देखिए नीचे से जब रूट कंप्लीट होगा, पूरा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तब जाके ऊपर सूट निकलेगा। लेकिन इन बल्ब्स के अंदर क्या है, जैसे ये देखिए ख़राब होने के कगार पे पहुंच गया, कुछ भी नहीं इसमें से स्प्राउट हो रहा है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो है हमारा ऐसे रखा गया, ऐसे लगा दिया कि जैसे दूसरे बल्ब होते हैं इस तरह से लगा दिया। रूट निकलनी है यहाँ से, वो निकल नहीं पाई, तो इसको अभी भी हम बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको खोद के लगाना है। तो आज मैं टोटल तरीका बता रहा हूँ ताकि इन बल्ब्स को आप लगा करके प्रॉपर फ्लावरिंग जो है 1-1.5 महीने के अंदर फ्लावरिंग आ जाती है। ये हमारा मेरे ख्याल से सितंबर स्टार्टिंग का लगा हुआ है और 1.5 महीना हो चुका है इसको। 1.5 महीने में देखिए कि कितना बढ़िया अच्छा हेल्दी प्लांट आपको मिल रहा है बल्बस सॉइल। तो लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी है, ये हमने इसमें डाल लेना है 1 चम्मच। एक चम्मच डाल के इसको प्रॉपर तरीके से खोल लेना है। ये क्या करता है, एंटी फंगल का काम करेगा, नेचुरल रूप से एंटी फंगल का काम करेगा। तो जैसे ये बल्ब लगाने हैं हमें, ये देखिए इन बल्ब्स को हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए डिप कर देंगे। ये भी हमें दोबारा लगाना है, इसको भी हम इसको डिप कर लेते हैं। अब डिप करने से छोड़ दिया हमने, और तब तक हमें इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो लेना है। तो ये बल्बस सॉइल मिक्सचर खोलेंगे और इसमें से लेकर के गमले में डालते हैं, तब तक वो जो फंगी साइड में डिप हो। ये देखिए ये लिया हमने गमला और इसके अंदर हम
बल्बस ऑयल मिक्सर भरेंगे। होल्स पहले हैं इसके, तो पूरा से मिट्टी चल पड़ेगी। देखिए नीचे से गिर रहा है। तर हमने डाल लिया, और जो हमारी पहली मिट्टी भी है ये हम इसमें खोद लेते हैं। इसमें मिट्टी हमने भर लिया, और इसकी जो मिट्टी है ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको हम इस तरह से खोद करके, और ध्यान से देखिए कि मैं कैसे लगाऊंगा, और हफ्ते के अंदर ही जो है इनमें सबके अंदर स्प्राउट आ जाएगा। ये हमारा अब जो हमने ये लगाया था बल्ब, ये देखिए इसको हम फंगीसाइड में से निकालेंगे। और लगाने का तरीका देखिए क्या रहेगा, लगाने का तरीका आप ध्यान से देखिए। इसको ऐसे खोदना है। कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसे बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, ऐसे करने से क्या होगा कि यहाँ की मिट्टी जो है बिल्कुल कंप्रेस हो गई, दब गई। अब मिट्टी दब गई तो रूट्स को जो है उसमें ट्रेवल करने में मुश्किल होती है। तो बहुत ही लूज रखना है इसको, ऐसे खड्डा खोदिए और इसको जो है आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर इस तरह से ढक देना है आपने। जब मिट्टी ढकेंगे तभी इसका जो रूट है वो डेवलप हो पाएगा। कहने का मतलब ऊपर है ना, तो इसी तरह से अब इसमें मैंने लिया है, थोड़ा गमला बड़ा है, इसमें हम दो पौधे लगा लेते हैं। दो लगाने का मतलब ये देखिए हम क्या करेंगे, एक को यहाँ रख दिया हमने और एक को यहाँ ये रख दिया, ठीक है। अब हमारा जो बल्बस सॉइल मिक्सचर है वो ऊपर से बड़े आराम से हम इसको डाल देंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा अंदर नहीं ले जाना है, एक आध इंच जो है मिट्टी वो ऊपर इसके रहनी चाहिए। ऐसे हमने लगा दिया इस तरह से, तो अब जो जर्मिनेशन है वो 100% होगी। लेकिन अब बात आती है पानी की, पानी कितना डालें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पानी। सबसे पहले तो हमारा जो ये ट्राइकोडर्मा वाला पानी है इसी का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ये जो हमने घोला है इसमें थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लेते हैं और डाल दें पानी, यही डाल दें ताकि फंगस की हमारी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, समस्या रहे नहीं। तो ये देखिए एक बार तो हम इसको प्रॉपर तरीके से गीला कर देंगे। अगर मिट्टी हट जाती है पानी वानी डालने की वजह से, तो थोड़ा बहुत मिट्टी जो हमारी बल्बस सॉइल की है वो फिर से आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से डालना है। अब ये देखिए ये भी पूरा बेयर हो गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मिट्टी को ऐसे डाल देंगे। मिट्टी डालनी पड़ेगी, नहीं तो पानी डालें और खुल जाए तब भी जो है वो पौधा आपका जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर से मिट्टी हट गई वो रूट कहाँ निकालेगा। उसको चाहिए ना, अंधेरा चाहिए तभी रूट निकलेगा। अब इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, यही वाटर डाल दिया ताकि फंगस की कोई शिकायत रहे ही ना। तो इस तरह से आप बल्ब लगाएंगे तो आपका बल्ब जो है 100% जर्मिनेट होगा। अब ये कहते हैं इसमें स्प्राउट नहीं, देखिए सभी देख रहा है लेकिन इसको मॉइस्चर की जरूरत है। देखिए सभी जगह से इसके स्प्राउट्स निकल रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है बल्ब में। बल्ब बिल्कुल सही है, जो फॉरेन का है तो फॉरेन का ही है, मतलब इम्पोर्टेड है, और इसकी पहचान आप ये देख लें। अब एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं इसको, कि कई बार क्या होता है कि बिना रेस्टेड बल्ब लगा देते हैं। बिना रेस्टेड से क्या मतलब है, ये देखिए ये विदाउट रेस्टेड बल्ब है। बल्ब ये भी ओरिजिनल है लेकिन विदाउट रेस्टेड का मतलब क्या है कि जैसे पिछले साल गमले में लगाया उसी को छोड़ के रखा और गमले में ही पड़ा रहा, स्प्राउट तो टाइम से निकल आए लेकिन फ्लावर के अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं है। जबकि ये फ्लावर आप देख रहे हैं इससे ये 1.5-2 महीना पहले का लगा हुआ है, ये अगस्त स्टार्टिंग का लगा हुआ है और ये जो है सितंबर में लगा है। तो ये 1.5 महीने में इसके अंदर फ्लावरिंग आ गई और इसके अंदर कोई फ्लावरिंग के सिम्टम्स नहीं है। रेस्टेड बल्ब का मतलब होता है बल्ब को निकाल के आपको ठंडी जगह पर रेस्ट कराना है 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, इसके बाद आप लगाएंगे तभी इसमें फ्लावरिंग आएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे गमले में ही सेफ रह गए, तो ये मैंने ये भी करके देखा कि गमले में सेफ कैसे बल्ब रहते हैं। बल्ब तो सेफ रह गए, पानी कम डाला, लेकिन इसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो फ्लावरिंग के सिम्टम्स अभी तक नहीं है। ये देखिए पूरा जड़ इसमें बना हुआ है, हेल्दी प्लांट भी है बट फ्लावरिंग के कोई सिम्टम्स अभी नहीं है क्योंकि ये रेस्टेड नहीं है। रेस्टेड बल्ब में ही फ्लावरिंग आता है। तो आप ध्यान रखें कि अपने बल्ब को जब सीजन ख़त्म होता है निकाल के उसको रेस्ट कराइए, कहने का मतलब अंदर रखिए। ये खासकर फ्रिज में रखने वाले हैं, जो गर्मियों वाले होते हैं वो बाहर रह जाते हैं, लेकिन सर्दियों वाले हैं तो इनको फ्रिज में जहाँ सब्जी रखते हैं वहाँ पे रखा जाता है। फिर इसके 2-3 महीने रेस्ट के बाद लगाया जाता है, तब इस तरह से फ्लावरिंग आपका पौधा आपका बल्ब करेगा। तो ध्यान रखिए ये छोटी छोटी बातें हैं,
जिसको हम फॉलो करके अपने प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, अच्छा जर्मिनेशन ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आपकी वीडियो जो है कामयाब रहेगी और आप अपने बल्ब्स को इस तरह से लगाएंगे तो पूरी स्प्राउट निकलेगी। धन्यवाद।